ऑलमोस्ट हम अपने आखिरी चरण पे हैं और एक एक स्टेप अब आगे जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखेगा, हर दिन जो है इम्पोर्टेंस रखेगा। 23 तारीख का दिन जो है वो निर्धारित किया गया है इसरो ने, जब हम सॉफ्ट लैंडिंग करेंगे चंद्रमा के साउथ पोल पे। तो जैसे आपने कहा कि प्रोपल्शन मॉड्यूल से विक्रम लैंडर जो है वो अलग हो गया है, यहाँ पर हमने मॉडल के माध्यम से इसको समझाने का प्रयास किया है। ये हमारा प्रोपल्शन मॉड्यूल है। प्रोपल्शन मॉड्यूल जो है विक्रम लैंडर को जो है कैरी कर चंद्रमा के आखिरी कक्षा तक लेकर आया है। अब आगे का जो सफर है, आखिरी के जो आखिरी 100 किलोमीटर का कुछ दायरा है जो वो हमारा विक्रम लैंडर तय करेगा। और अब ये 5 से 6 दिन का जो समय है इसमें अपनी स्पीड को कम करना, अपने आप को सीधा करना, बिकॉज क्योंकि अभी तक ये ट्रैवल कर रहा था स्पेस पे, तो अब ये जगह की पुष्टि करना कि जो जगह निर्धारित करी है इसरो ने, जो जहाँ पर लैंड करना है, कि वहाँ पर कोई लास्ट मिनट कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन सभी बातों को, उन सभी पहलुओं को अच्छे से गौर कर 23 तारीख को 5:47 पर सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास होगा। ये आगे आने वाले टाइम पर भी प्रोपल्शन बहुत इंपॉर्टेंस रखेगा, क्योंकि एक तो ये हमारा लैंडर है, साथ ही साथ ये हमारे को इन्फॉर्मेशन जो भी हमारी विक्रम से इसरो तक पहुंचेगी उसमें हेल्प करेगा और एक तरीके का बैकअप प्रोवाइड करेगा कि लास्ट मिनट अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो हम प्रोपल्शन से संपर्क साध सकते हैं और विक्रम की कोई भी लास्ट मिनट प्रॉब्लम को जो है रेक्टिफाई कर सकते हैं। ये बहुत ही बड़ा एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है और भारत को इस ग्लोबल स्पेस रेस पर टॉप पर लाकर खड़ा कर देगा। इस बात की परिकल्पना ही जब से रखी गई थी तब से ये बहुत बड़ा मिशन है भारत के लिए। चंद्रयान 2 में हम नहीं कर पाए थे, पर चंद्रयान 3 में हम कर पाएंगे और जिस तरीके की इंफॉर्मेशन भारत कलेक्ट करने वाला है चंद्रयान 3 के माध्यम से, उस तरीके की इंफॉर्मेशन बाकी किसी देश के पास नहीं है। ना कि केवल खनिज, किस तरीके की गैसें, किस तरीके का सेस्मिक एक्टिविटी चंद्रमा की उन सतह पे होती है, किस तरीके के क्वेक्स आते हैं, आंधी चलती है, तूफान चलती है और उस पर अर्थ पे क्या प्रभाव पड़ता है, उन सभी बातों की पुष्टि करेगा। साथ ही में क्या मून इंसानी जीवन को बसाने के लिए, कॉलोनीज को बसाने के लिए हैबिटेबल बनता है या नहीं, उस बात की पुष्टि करेगा। और आने वाले समय पर जब हम किसी दूसरे प्लैनेट पे जाने का प्रयास करते हैं तो हमें एक तरीके का बेस स्टेशन प्रोवाइड करेगा। तो बहुत ही बड़ा मिशन है, साथ ही हमारे फ्यूचर के स्पेस से जुड़े सभी चुनौतियों को, सभी आने वाली अपॉर्चुनिटी को एक बहुत बड़ा स्थान देगा। आज जो प्रोपल्शन मॉड्यूल था, जो लैंडर और उसके अंदर, उसके भीतर जो रोवर है जिसका प्रज्ञान है, तो ये दोनों सेपरेट हो गए थे। अभी क्या होगा कि ये जो लैंडर है वो ऑर्बिट करता रहेगा चंद्रमा के आसपास एक सर्कुलर ऑर्बिट में। अभी 153 × 1763 किलोमीटर्स का है जो सर्कुलर ही है, बाद में ये 100 × 30 पे जाएगा, फिर वो धीरे धीरे से डी बूस्ट करेगा या रेट्रो फायरिंग जिसे कहते हैं वो करके, इसके थ्रस्टर्स जो है रेट्रो फायरिंग करेंगे, उसकी धीमी वेलोसिटी को लेकर वो फिर नीचे सॉफ्ट लैंडिंग करेंगे। तो यही आइडिया है और उसके बाद ये रोवर निकलेगा और कुछ 500 मीटर आसपास जाएगा और वहाँ पर वो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स लूनार सरफेस पे करेगा।